नवरात्र के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक दुर्गा पूजा के बाद शनिवार को बंगाली समाज द्वारा स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया। विसर्जन पूजा के साथ ही बंगाली महिलाओं ने सिंदूर खेलकर विजयादशमी मनाई। शहर में रीति रिवाजों के साथ मां दुर्गा की विदाई दी जा रही है। पंडालों में सिंदूर खेलकर इस रस्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। महिलाओं के बीच सिंदूर खेल की रस्म उन परंपराओं में से एक है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने न सिर्फ सिंदूर खेल रस्म में हिस्सा लिया बल्कि विसर्जन जुलूस में बंगाली गीतों पर थिरकती झूमती विसर्जन घाट तक गईं। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद दशमी के दिन यानी दशहरा के दिन माँ दुर्गा को सिंदूर लगाया जाता है जिससे बंगाली समुदाय के लोग सिंदूर खेला होते हैं। और आज के दिन इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध बाग बाजार के पूजा पंडाल में और यहाँ पर सिंदूर खेला काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों की महिलाओं की भीड़ जुटी हुई है माँ दुर्गा को अंतिम विदाई देने के लिए। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी महत्व है। महत्व ये है कि माँ अपने मायके आती हैं 5 दिन के लिए और जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और 5 दिन बाद जो है वो अपने ससुराल वापस जाती हैं। तो इसीलिए जब किसी की विदाई दी जाती है तो आंखें काफ़ी नम हो जाती है, उन्हें हंस कर खेल कर विदाई दी जाती है और माँ को सिंदूर लगाने के पीछे भी काफ़ी बड़ा महत्व है। चलिए देखते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं। सिंदूर खेला का मौका है, हम और आप दोनों मिलकर इंजॉय करते हैं। समय है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे और देखते हैं कि और मैं हमारे कैमरा पर्सन उनसे कहूँगी कि इनके अवतार को दिखाया जाए। ये लाल पार की साड़ी है, गले में गहने हैं, मांगटीका है और तो और यहाँ पर सिंदूर भी लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बंगाली समुदाय में ये काफ़ी प्रसिद्ध होता है सिंदूर खेला और इस दिन महिलाएं जो है बन ठन कर निकलती हैं, लाल पार की साड़ी पहनती हैं और एक अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं। हम एखने थी एखे आसी सिंदूर खेलते, एखे ना आसले भलोई लागे ना, जेखने ही जाए ना क्या एखे आगे ही आसते हैं। कौन थे आसान एखे? सकाल थे ही आज। अच्छा, এই লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন মানে খুব কষ্ট হচ্ছে না? না কষ্ট হচ্ছে না, আনন্দ হচ্ছে। মাকে সিঁদুর পরাবো, সবাইকে দেখছি, অনেক পরিচিত আছে, বন্ধু বান্ধব তাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, এটা কোনো কষ্টই মনে হচ্ছে না। আপনি এই ড্রেস খাস আজ কে লিয়ে বানায়া হ্যায়? আজ কে লিয়ে কহাঁ ক্যা ক্যা সোচ কে লিয়ে? বস এই হর বার ইহীঁ পে আতে হ্যায় হম লোগ সিঁদুর দেনে কে লিয়ে। ये हमारा रीति है यहाँ का, ये हम लोग मिल के आते हैं और ये हम जब भी मेरा शादी हुआ है ना तब से आ रहे हैं यहाँ। लाल पाड़ की साड़ी पहना जाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, सिंदूर खेला का दिन है, महिलाएं रंगी हुई है, माँ दुर्गा रंगी हुई है। चलिए देखते हैं इसी को झलकियाँ। तो देखा आपने कि महिलाएं जो है घंटों लाइन में खड़ी हैं और माँ को सिंदूर लगाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो पहले से ही माँ को सिंदूर लगा चुकी है, उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि उन्हें सिंदूर खेला खेलकर कैसा लगा। कोथा थी इस चीज हमें बाग बाजार ही खाती। अच्छा, माँ के सिंदूर पड़िए कैमन लागल? भीषण भलो, भीषण क्योंकि खूब सुंदर लागें पूरे रेड पाड़े शाड़ी। आनी कोथा थी इस सिंदूर लगाले माँ खेल? अच्छा, আমি তো 14 বছর ধরে আসছি, প্রত্যেক বছর মানে এক বছরও মিস করি।
ঠাকুরকে সিঁদুর দিয়ে তো আমরা সবাই প্রত্যেক বছর সিঁদুর খেলি, এটা তো অনেক দিন থেকে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আর বাগবাজারের মতো এত ঐতিহ্য, এত সাবেকিয়ানা, এত কমেডিয়ানা কোথাও দেখা যায় না, সেই জন্য অনেক দূর দূর থেকে বাগবাজারে সিঁদুর খেলতে সবাই আসে। একদম একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে মৈত্রীর বন্ধনের মতো রাখে, যেমন দোল খেলায় লোকে সেই। আমার প্রত্যেকবার মা চলে যায়, আমার চোখে জল ভর্তি, ভীষণ খারাপ লাগে। সব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি সবাই যেন ভালো থাকে আসছে বসার এই সময়, সবাইকে ভালো রেখে। এক্স্যাক্টলি, আসছে বছর আবার হবে এই কামনা লেকার সবই লোক জো হ্যাঁ সিন্দুর লাগাকর মা দুর্গা কো বিদায় দে রহি হ্যায়। सज धज कर खास इस फंक्शन के लिए जो है कॉस्ट्यूम रेडी की जाती है, माँ दुर्गा को हंसते खेलते सिंदूर लगाकर विदाई दी जाती है। आप कहाँ से हैं? हम बाली से। सिंदूर खेला क्यों मनाया जाता है बताइए? जैसे आपको तो लग रहा है आपकी नई नई शादी हुई है। ये मेरा पहली बार है, फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। ये मेरा बुआ का घर है यहाँ पे, तो वहाँ इतनी दूर से मैं यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट टाइम इंजॉय करने के लिए। बाग बाजार क्यों आती है? एक्चुअली यहाँ का बहुत 99 ईयर्स है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है, एक कल्चर है हम लोग का पूरा, इसलिए यहाँ पे स्पेशल। माँ को सिंदूर लगा कर पहली बार शादी के बाद कैसा फील हुआ? इतने दिनों तक जो हम लोगों की प्रतीक्षा थी, माँ आएंगी माँ आएंगी, माँ तो आ गई, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि आज ही के दिन माँ को लौट जाना होगा। और हम लोग कहते हैं ना कि घर के जो बेटी हैं, बेटियाँ को कभी रोते हुए विदा नहीं करना चाहिए, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे, हम लोग हमेशा यही करते हैं कि माँ को हंसते हुए और वो हंसी एक सिंदूर खेला के जो कार्यक्रम है इसके जरिए हम लोग माँ को विदा करते हैं। बाग बाजार की प्रतिमा की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया चाहे बदल जाए, लेकिन बाग बाजार में माँ दुर्गा की माँ वैसी की वैसी ही। किसी तरह की फिल्म बनाया नहीं जाता है और ना ही माँ दुर्गा की मूर्त बनी जाती है। यहाँ पर सदियों से माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो किसी अंदाज में किसी रूप में नजर आती है हमेशा। चलिए माँ दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, हमारे घर बैठे দেখা আপনি মা দুর্গা সিন্দুর লাগানে কে লোক আপনি আপনি তরিকে ড্রেস বানাতে হ্যাঁ, সবই লাল শাড়ি মে নজর আ রই হ্যাঁ, আর কে অকেলি হ্যাঁ জো হোয়াইট শাড়ি মে নজর আ রই হ্যাঁ, বাট ইউ আর সো বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। सभी भक्तों ने 9 दिन पूजा करने के बाद नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी, इस आशा के साथ कि अगले बरस तू मां जल्दी आ।